नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनामल न्यूज खबर। बिजनौर से रबड़ फैक्ट्री में बड़ा हादसा, दो गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। बिजनौर में रबड़ फैक्ट्री में टैंक खोलने के दौरान टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिसमें तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिनको मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि दो को बिजनौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। परिजनों ने बताया कि घटना होने के बाद फैक्ट्री स्वामी ने ब्लास्ट में झुलसे मजदूरों की अभी तक कोई खबर नहीं ली, जिसको लेकर झुलसे मजदूरों के परिवार में खासी नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें, बिजनौर नगीना स्थित छोया के पास इंडस्ट्रीज क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर दर्जनों फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्री में कार्य कर रहे तीन मजदूर टैंक खोल रहे थे, इसी दौरान टैंक फट गया, जिसमें तीनों मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। फैक्ट्री में मजदूर गार्ड में तीनों को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक बनने लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। क्या नाम आपका? वीर सिंह। वीर सिंह जी, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? मोहित दयाल में काम करते जी। क्या घटना आपके साथ हुई? टैंक खोलने पर घटना हुई था, बड़ी प्रेशर आया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मजदूर भर्ती तो कर गए हैं। फिर कौन लोग भर्ती करके आपको? एक बार साहब, हम तो गरीब आदमी किराए पर आए जी, हम नहीं आए तो पैसे चाहिए। क्या चाहते हैं आप? बोलने का जब बच्चे के लिए होते हैं। मोहित पेपर में वाली जो ट्यूबवेल दिया ना, उसमें हुई है क्या? जो स्टील की इसकी है और ट्यूबवेल इसकी। अच्छा, कितने लोग घायल हुए वहाँ? इसमें 300 और का तो पता नहीं, 3 में ये घायल ही होगा। तो आप क्या चाहते हो? आप बस ये चाहते हैं मेरे बच्चे के लिए न्याय चाहिए, अगर बच्चे के लिए दुख तकलीफ दे पैसा लगेगा वो लगा चाहिए। आप ये कब से काम करते थे उसमें? कब से काम करते? कितने दिनों से काम करती थी? मैं 10 साल हो गए। कोई पेपर मिल वालों ने, ये DRF वाले, उन्होंने पूछा आपसे कि इनका इलाज कहाँ से कर रहे हो? नहीं पूछा। चलो, क्या नाम है जो बता सके? संपूर्ण प्रकरण 18 जून का है, यानी परसों का। बिजनौर से नगीना रोड पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर देव रबर फैक्ट्री अवस्थापित है, और उस फैक्ट्री में नेचुरल रिक्लेम्ड रबर प्लांट है। उसके बॉयलर से स्टीम भाप निकलने से तीन लोग झुलस गए थे। प्रभात शर्मा गंभीर हालत में सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी दुखद मृत्यु हुई। परिजनों द्वारा दाह संस्कार करा दिया गया है। सुरेश एवं वीर सिंह, उनका इलाज स्थानीय बिना प्रकाश हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। परिजनों द्वारा तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया जा रहा है। दो लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। इनके आर्थिक मदद, चिकित्सकीय प्रबंध एवं अन्य सुख सुविधाओं के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है। मौके पर शांति।